वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। आज का सीरीज बेसिक साइंस पे होगा। यस, यू हर्ड इट राइट, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये समझाएंगे, और जो भी एप्लीकेशंस है, कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्यों है और क्या है। देखिए, साइंस पढ़ सब लेते हैं बट समझते कुछ आदमी है, इसीलिए कहा जाता है साइंस बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इतनी इजी तरीके से साइंस समझाऊंगा ताकि वो एक 2 स्टैंडर्ड का बच्चा हो या 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, या फिर वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला SSC CGL का बच्चा हो, CPO का बच्चा हो, या UPSC में आने वाले क्वेश्चन हो जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो मैं डेफिनेशन से चालू करके आई विल गो ऑन फॉर्मूला ताकि हर लेवल के बच्चे को समझ में आए, जो जरूरत है उन्हें मिले, और उसके बाद एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशंस ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको ये नहीं पता है कि अगर हमारे पास गाड़ी है, उस गाड़ी का इस्तेमाल रियल लाइफ में क्या है, तो सिर्फ एक गाड़ी देख के आदमी क्या करने वाला है। तो आइए चालू करते हैं हम लोग का सीरीज, एक्टिवेट योर ब्रेन थ्रू साइंस। यस, इट्स एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन। नॉर्मल सी बात है, आप जब कुछ पढ़ोगे, हाँ, उसको रियल लाइफ में देखोगे। साइंस क्या है ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हो तो आप आके रियल लाइफ में देखते हो, और जो चीज़ देखते हो वो चीज़ हमेशा दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि आपका फेवरेट मूवी, वो आपका फेवरेट क्यों है, क्योंकि उसके बारे में आप सोचे हो, उसके बारे में रिसर्च किए हो और उसे देख के फील किए हो। इसीलिए विजुअल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न है कि मैंने अपने तरफ से जितना हो सके इसमें ऐड किया है पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो आज का टॉपिक हम लोग का फिजिक्स का है, और फिजिक्स के ही तरह हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, सब पे बात करेंगे। एट प्रेजेंट जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं या हैं, उन सब पे बहुत ही गहराई से चर्चा होगी। और आप लोग मुझे जरूर से जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर एक मास इंडियन स्टूडेंट, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहर के हो, हिंदी इज़ अ वेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया। एंड इफ साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट करिए, आपके लिए मैं स्पेशली इंग्लिश लेक्चर लाऊंगा ताकि कोई भी आदमी हमारा इस फ्री क्वालिटी एडुकेशन इनिशिएटिव से दूर ना रहे। और आपसे बस हमें एक सहायता चाहिए, हमें हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इस सीरीज को और आने वाले और भी कई सीरीज को, जैसे कि मैथ्स का वैदिक मैथमेटिक्स, वैसे ही वैदिक, आपको वैदिक साइंस कि आज का साइंस कैसे डेवलप हुआ है ये समझाने के लिए हम लोग और भी मोटिवेटेड फील करें। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट विथ आर बेसिक्स सीरीज फर्स्ट लेक्चर। लेक्चर छोटा होगा ताकि बच्चे पढ़ें, उसे रिटेन करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक फिजिक्स? देखिए, फिजिक्स का एप्लीकेशन लार्ज स्केल में, आप जिस भी जमाने में, जिस भी दुनिया में आप हो, चाहे वो 1950s से हो, चाहे वो सो कॉल्ड 1970s से हो या 2000 से हो, आप फिजिक्स का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं और अपने हर जीवन के पार्ट में देखोगे। चाहे जो दरवाजा बंद हो रहा है या फिर गाड़ी का चक्का घूम रहा है, ये सब में फिजिक्स है। तो फिजिक्स का बेसिक पहले जानेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन जानेंगे। चलिए, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। यही मैंने आपको समझाया कि फिजिक्स का मतलब क्या है। और देखिए, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा बल्की चीज ना मिले कि वो पढ़ते रहे 4 दिन। तो कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो और उसे समझ लो ताकि जीवन भर याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं मोशन। मोशन मतलब बच्चा सबसे पहले पैदा होते साथ 4 पैर पे चलता है, फिर 2 पैर पे चलता है, फिर भागता है। इसीलिए ये लेक्चर जो चालू हो रहा है ये मोशन से चालू हो रहा है। मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो यही 90% ऑफ द वर्क गवर्न करता है हमारे आसपास। मोशन
इज अ चेंज इन पोजिशन। नॉर्मल सी बात है, आप अभी बैठे हो, आप खड़े हो गए, पोजिशन चेंज हुआ, सम काइंड ऑफ मोशन। आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से यहाँ आ गए चल के, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये क्यों हुआ? ये ड्यू टू मोशन हुआ, और इस इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको कहा। मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि आज आप उठे, सुबह तैयार हुए और अपने घर से स्कूल गए, तो जो कि आप ये जो आपका घर है और ये जो स्कूल है, यहां से जो यहां डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो ये एक मोशन में किए और फिर वापस आए, वो भी एक मोशन है। फाइन, कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए, आप यहां से उठे, लाइब्रेरी गए या कोचिंग गए और वापस आए, डेफिनेटली ये भी एक मोशन है। मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट, देखिए आगे चल के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी अंतर जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब एक सामान यहां रखा हुआ है, इसको उठा के यहां रख दिए, ठीक है। अब आप सोचोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो डेफिनेटली आगे बताएंगे, क्योंकि इस अगर एक सीधे लाइन में देखा जाए यहां और यहां, तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये मैंने समानता बताई, मतलब सिमिलैरिटी, आगे चल के इसमें डिफरेंस भी बताएंगे। देखो, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल, सच डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। नाउ दिस ओडोमीटर क्या है? गाड़ी में आप जाते हो, वहां देखते हो एक स्पीड दिखाता है तो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और एक बगल में दिखाता है कि यहाँ पे वो गाड़ी में, आपको हर गाड़ी आज जाइए अपने गाड़ी को चेक करिए कि वो कितना किलोमीटर चला है, वहां लिखा होगा 1672, मतलब 16,762 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुका है। फिर एक ट्रिप मीटर भी आता है, तो ये सब जो होता है ये ओडोमीटर होता है, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है। और ये टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई भी एग्जाम में, स्कूल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्म्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये ओडोमीटर क्या होता है ये याद रखिए, स्पीडोमीटर क्या होता है मैंने बताया था, आप जब कार चलाओगे जरूर से जरूर जाके देखिए स्पीडोमीटर होता क्या है। फाइन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मोशन हो सकता है, जैसे आप खुद देखिए, आप पापा के साथ कहीं घूमने गए या अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, तो आपको यहां से अगर दिल्ली से आगरा जाना है तो या तो आप सीधा जा सकते हैं, आगरा रुक सकते हैं, या तो बीच में कहीं कैफे में रुक के आप चाय पानी पी सकते हैं, या तो ट्रैफिक के कारण आपको स्लो डाउन होना पड़ सकता है, या तो रोड उतना अच्छा नहीं, कहीं अच्छा रोड है खाली है तो हम लोग तेज चलते हैं, और जहां भीड़ है और स्लो वहां स्लो चलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म हो भी सकता है, ये यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है। जनरली रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन ऑन अर्थ सर्फेस, जो कि हम लोग पर्सनल ह्यूमन बीइंग देखते हैं, ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट ना हो रहा हो। और उस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल दीजिए यूनिफॉर्म मोशन का। यस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मुंबई में आने वाला है, वैक्यूम जैसा ट्यूब होगा उसमें ट्रैवल करेंगे। ये कमेंट करके बताइए, आप लोग जरूर से जरूर इसे सर्च करिए, इस पे भी लेक्चर आएगा। हाँ ओके, नाउ वेदर इट इज, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिपेंडिंग वेदर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट और चेंजिंग। अब देखो वेलोसिटी के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कैसे चेंज करता है, इसी लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? एक सर्कल में मूव करते जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, बट एक एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में देखोगे मून, ठीक है, कह सकते हैं तो सन भी है, बट सन क्या है कि सन हम लोग को दिखता है कि सर्कुलर में मूव कर रहा है, एक्चुअली अर्थ मूव कर रहा होता है रोटेशन में। इस कारण से सन ईस्ट में राइज होते दिखता है, वेस्ट में डाउन होते दिखता है। फाइन, तो सर्कुलर मोशन जो यूनिफॉर्म हो, मतलब अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे पे है तो 5 किलोमीटर ही पे ही चल रहा है, ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्ड इन सर्क्यूलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि मैंने कहा अगर 5 किलोमीटर है तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, और ये ऐसे चलते रहेगा, इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, ठीक है।
आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या लगता है, सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, अलग अलग तरीके के फोर्सेस हैं, वो फोर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने कहा था, हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज जानिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां से यहां 1 किलोमीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये 1 किलोमीटर का हो गया, और यही डिस्टेंस क्या हो गया, ये भी 1 किलोमीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन, कभी भी दो पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जो कि 90 डिग्री में स्ट्राइक करे, यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट अगर यही आप देखते हो, रोड कभी सीधा नहीं मिलता, यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भले 1 किलोमीटर हो, बट हो सकता है कि आपको ऐसे जाना पड़े और ये आपको 4 किलोमीटर का हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब सामान कितना दूर अपने जहां था वहां से जहां पहुंचा, उसकी दूरी जो सबसे कम दूरी होती है जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, इसको 1 किलोमीटर हुआ, समझे? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट ये सामान जा कैसे रहा है, इस तरीके से जा रहा है जिग-जैग कर्व में, और ये 4 किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरीके से अंतर है, ये याद रखिएगा। अगर एक एग्जाम्पल और देते हैं जो कि सर्कल का है, ठीक है, आइए सर्कल पे, ये एक मान लीजिए आप ग्राउंड देखे होंगे जिसमें लोग खेलते हैं या दौड़ते हैं, आप यहां से दौड़ना चालू किए, ठीक है, और ये ग्राउंड 1 किलोमीटर का है, इजी रखने के लिए 1 किलोमीटर, तो आप जब दौड़े एक ग्राउंड तो आप कितना दौड़ लिए, आप 1 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। बट जब आप यहां से चालू करते हैं, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट IN, और यही फाइनल पॉइंट है, तो भले सामान आप लेके यहां से ऐसे घूम के वापस यहां ले आके आए, बट इनिशियल जो पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसका डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक फॉर्मूला आ सकता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पॉइंट भी यही है और इनिशियल पॉइंट भी यही है, दूरी क्या हो गया, 0, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। बट एक बात याद रखिए, क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है, तो नहीं। अगर आदमी कुछ भी ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि जब वो गोल घूम रहा है तो वो कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर वो 2 राउंड मार रहा तो 2 किलोमीटर, 3 राउंड मार रहा तो 3 किलोमीटर। बट यही आप 4 राउंड घुमा दीजिए इसको, इनिशियल पोजिशन से चालू करके चाहे 5 राउंड घुमा दीजिए, वो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। बट अगर यही ऑब्जेक्ट, देखिए एक मिनट इसे मैं साफ कर लेता हूं, चलिए फिर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और ये इनिशियल पोजीशन देख लीजिए, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन यहां हाफ में है। अब देखिए एक चीज, ये अगर 1 किलोमीटर का है और ये हाफ में है, तो फाइनल पोजीशन कहां है, ऑलमोस्ट हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आके अगर रुक गए तो 500, यहां मान लीजिए 900 है मीटर, तो यहां रुक गए तो 900 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर आप वापस यहां आ जाते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, फाइन, ये याद रखिएगा। अगर यहां है तो 50% आप ट्रैवल कर लिए हैं,
यहाँ है, 50% आप ट्रैवल कर लिए हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है ये 500 मीटर है, याद रखिएगा, तो 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। बट ये सर्कुलर में, कभी भी आप एक इसी चीज को हम लोग ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल में, चलिए ये रहा ट्राइंगल, सिर्फ सर्कुलर में नहीं, यही रहा ट्राइंगल, और ये भी आपको 1 किलोमीटर का ट्राइंगल है। तो यहां से जो चालू हुआ इनिशियल पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट से चालू हुआ, यहां से यहां आया, यहां आया, 50% गया, मतलब 500 मीटर ये ट्रैवल कर लिया। तो ये जो 500 मीटर ट्रैवल किया है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल। बट वापस यहां आते हैं और यहां आते हैं, तो ये एक एक किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस पॉइंट में, जीरो। अब समझ में, कभी भी जो भी ऑब्जेक्ट एक जगह से चालू होता है और दूसरी जगह रुक जाता है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर करता है। मतलब कि है, अगर यहाँ 1 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है और वो 1 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका केस ये जिगजैग वाला है, वो देखना होगा। बट जहाँ वो वापस से इनिशियल पॉइंट में आ जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जैसे कि आप देखोगे अपने घर से आप चलते हो स्कूल, स्कूल है 2 किलोमीटर पे, और वापस घर आते हो, तो आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 4 किलोमीटर किए, बट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आफ्टर यू आर बैक टू होम, मतलब घर आने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आप वापस घर आ चुके हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इट इज द लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ। देखिए मैंने जो कहा था, लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ, मतलब ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ है, ओरिजिनल पाथ हम ये फॉलो कर रहे हैं, समझे? तो ये लेंथ है इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ का। टिपिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कहा था। तो ये लेक्चर को हम लोग छोटा रखेंगे ताकि समझ में ज्यादा आए और बर्डन ना पड़े। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।